हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज है सैमसंग की तरफ से। तो आज सैमसंग गैलेक्सी F62 के थोड़े स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। और लीक से पता चलता है कि सैमसंग गैलेक्सी F62 में एक्सिनोस 9825 का प्रोसेसर, 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल कोड रियर कैमरा एंड 7000 mAh की बैटरी दिखने को मिलेगी। और दोस्तों, सैमसंग का ये नया स्मार्टफोन सैमसंग जल्दी ही इंडिया में लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग सैमसंग गैलेक्सी F62 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज नॉइस ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग उनकी नई स्मार्ट वॉच नॉइस कलरफिट प्रो 3 10 फरवरी को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। ये स्मार्ट वॉच नॉइस की नई बजट स्मार्ट वॉच होने वाली है। नॉइस कलरफिट प्रो 2 काफी अच्छी स्मार्ट वॉच थी, अब देखते हैं ये स्मार्ट वॉच इंडिया में क्या कमाल करती है। तो दोस्तों, रियलमी X7 सीरीज इंडिया में अब फाइनली लॉन्च हो चुकी है। रियलमी ने रियलमी X7 की प्राइस इंडिया में रखी है 19,999 रुपीस एंड रियलमी X7 प्रो की प्राइस रखी है 29,999 रुपीस। अगर इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइस थोड़ी कम रियलमी रखता तो ये दोनों स्मार्टफोन्स वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स बन जाते हैं। मैंने रियलमी X7 को आज कंपेयर किया है मी 10i के साथ। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आपको कार्ड पर लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, अगली न्यूज भी Realme की तरफ से ही है। तो आज Realme की नई स्मार्ट वॉच Realme वॉच 2 प्रो को मिल चुका है FCC का सर्टिफिकेशन। और दोस्तों, इस सर्टिफिकेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि Realme की ये नई स्मार्ट वॉच Realme जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। इस सर्टिफिकेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्ट वॉच में हमें स्क्वायर शेप की डिजाइन दिखने को मिलेगी। तो दोस्तों, क्या आप लोग रियलमी की ये नई स्मार्ट वॉच के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज शाओमी ने ऑफिशियली टीज करना शुरू कर दिया है कि वो लोग उनका नया स्मार्टफोन मी मिक्स अल्फा 2 चाइना में जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने ये भी टीज किया है कि उनके इस नए स्मार्टफोन की प्राइस 10,000 युआन से ज्यादा होने वाली है, यानी कि करीबन 1.1 लाख रुपीस की प्राइस पर यह स्मार्टफोन चाइना में जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, आज एक लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि IQOO का नया स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन H70 प्रोसेसर के साथ जल्दी ही चाइना में लॉन्च हो जाएगा। IQOO के इस नए स्मार्टफोन का नाम क्या होने वाला है उसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मुझे जैसे ही कोई डिटेल्स पता चलेगी तो मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। और दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है नोकिया की तरफ से। तो आज एक लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि नोकिया अपना बजट स्मार्टफोन, नया बजट स्मार्टफोन नोकिया 3.4 इंडिया में जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। इस स्मार्टफोन में HD+ वाली डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर एंड 13 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरास दिखने को मिलेंगे। और लीक्स की माने तो ये स्मार्टफोन 10 फरवरी को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।